शांति ओम शांति ओम शांति। आपको वो जागृति में लेके जाएंगे। तैयार हैं अनुभव करने के लिए? अभी किसी को ब्रेक लेना है क्या? ब्रेक लिया तो आधा घंटे इसमें ही चले जाओ। अगर छोड़ा तो हो गए, ये पूरा हाल फिर लेके आने के लिए एक घंटा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए सब प्रकृति जीत बन करके आधा घंटा पूर्ण रीति से जागृति करेंगे। तैयार है? अभी हम एक प्रयोग करते हैं। म्यूजिक नहीं होता है, रेड लाइट डाल सकते हैं, म्यूजिक नहीं होता है। देखो, जैसे कोई भी बीज धरनी पर डालना है तो पहले खड्डा को क्या करता है? निकालता है, फिर बीज को डालता है। बीज डालने के बाद क्या करता है? मिट्टी को ऊपर ठीक रीति से उसको भर देता है। इतना करने से बीज से वो फल निकल के आता है। क्या क्या करना है? पानी डालते हैं और उसको जो हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, वो भी देता है, रक्षा करते हैं, केयर डालते हैं, सब डालते हैं। हमारे अंदर शुद्ध आत्मा है, उसको बाहर जागृत करने के लिए हमको भी क्या करना है? कई तरह के जागृति करना है। इस बट्टी में खास एक 30 मिनट का जो जागृति का प्रैक्टिकल किया जाता है, इसके लिए 3 नियम पालन करना है। पहला है कि केवल जागृति के लिए, रोज करने की बात नहीं, केवल प्योर सोल का जागृति के लिए किया जाता है। आज इस पट्टी में पहला है, आपको आंखें बंद करना है। इसका मतलब ये नहीं कि नींद करो। दूसरा है, जो मैं आपको बोलते हैं वो आपको बोलना है, मैं जो बोलता हूं वो आपको बोलना है। तीसरा नियम है, मैं आपको एक 15 मिनट के बाद पूरा रूप से गहरी साइलेंस में लेके जाता हूं। वो गहरी साइलेंस में आप अपना आत्मा का अनंत सुख अनुभव करता है। फिर मैं एक 1 मिनट का एक छोटा सा गाना डालता हूं। वो डालने के बाद आपको अपनी ओरिजिनल स्वरूप के आत्मा से फिर मैं आपको बाहर साकार में लेके आता हूं। वो आपके अंतर आत्मा को प्रकट होता है। वो स्टेज में जाने के लिए आपको ये नियम फॉलो करना है। पहला है आप आंखें बंद करना, दूसरा है आप मुख से बोलना, तीसरा है कोई भी कारणवश आप आंखें नहीं खोलना है, अब कहां भी आपका दृष्टि नहीं जाना है, केवल आपके अंदर दृष्टि जाना है। जब मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं, जब आपको मैं सूचना देता हूं, तभी आप आंखें खोलना है। ये करने के लिए तैयार है? करते हैं? बहुत अच्छी अनुभव होता है करना है। इसके पहले मैं आपको छोटा सा कहानी सुनाता हूं, क्या हो गया हमारा हालत। एक बार एक जंगल का राजा, ये पशुओं में जंगल का राजा किसे कहा जाता है? शेर। एक शेरनी, शेर के साथ शेरनी भी होता है ना, ये शेरनी। वो शेरनी वो एक बच्चे को डिलीवरी देते हैं वो समय। वो बच्चे वो शेरनी के पेट से बाहर आते वक्त बहुत बकरियां, 2000-3000 बकरियां भाग भाग के जाता है। एक छोटा सा शेर जो बच्चे के रूप में शेरनी से बाहर आता है और ये शेरनी मर जाता है। ये शेरनी क्या होता है? मर जाता है। ये बकरियों के बीच में ये शेरनियों जाकर के क्या हो जाता है? एक हो जाता है। और पूरा 2 साल तक उसकी सब चेष्टा, उसकी सब तरह की बिहेवियर्स बकरी की तरह हो जाता है। खाना पीना और वो जो कंठस्वर करते हैं ना, वो गर्जन करते हैं ना, वो सब भी बकरी का तरह हो जाता है। एक 2 साल के बाद एक दूसरे जंगल के राजा आता है, दूसरा शेर आता है। वो आकर के थोड़ा अपना गर्जन करता है तो सब ऐसे भागता है जैसे
अपने बचाने के लिए, जान बचाने के लिए सब पशु भागता है। तो ये जो शेर है जो बकरियों के साथ मिल गया है वो भी भागता है। तो इसको क्या हो जाता है, ये शेर का राजा, जंगल का राजा को आश्चर्य हो जाता है, ये मेरा खुद का बच्चा है, मेरा जंगल का राजा है, ये क्यों भागता है। इसका उत्तर लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। भागते भागते एक जगह पर दोनों इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होकर के उससे फिर पूछते हैं, ए तुम कौन हो। तो शेर क्या आंसर देता है, मैं बकरी हूँ। क्या बोलता है, मैं बकरी हूँ। ए तुम बकरी नहीं हो, तुम शेर हो। नहीं नहीं मैं बकरी हूँ। तो उसको बोलता है, एक बार अपना गर्जना करो। तो क्या कैसे करता है, मैं जैसा करता है। ओके, तुम इतना क्या हो गए हो, भ्रमित हो गए हो, भ्रम में आ गए हो, अपना स्वरूप को भी भूल गए हो, अपना वर्जिनालिटी को भूल गए हो। तुम्हें मैं क्या करना है, जागृत करना है। इसलिए उसको एक तालाब के पास लेके जाता है। एक तालाब के पानी में उसका मुख दिखला करके पूछता है, देखो मेरा शकल तुम्हारा शकल दोनों भी एक जैसा है, मेरा आकार तुम्हारा आकार दोनों भी एक जैसा है, मेरा गर्जन तुम्हारा गर्जन दोनों एक जैसा होना है, अभी बोलो तुम कौन हो। तो फिर भी वो क्या बोलता है, मैं बकरी ही हूँ। अच्छा तुमको तो अभी ही जागरूक करना है बोल करके उसको अपना गर्जन करने का प्रैक्टिस देता है। वो ट्राई करता है एक बार, दो बार, तीन बार, दस बार, बीस बार, बाद में उसका ओरिजिनल गर्जन उसके बाहर आ जाता है, वो शेर की तरह फिर गर्जन करता है। तब उसको पता चल जाता है, मैं तो क्या हूँ, शेर हूँ। इतना दिन में कहा था बकरी की तरह ब्रह्म में था। ऐसे ऐसे हम सब क्या बने, हम सब क्या बने, क्या बने हैं। कितने बार बाबा हमको याद दिलाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा, तुम आत्मा, फिर भी हम क्या कहते हैं, माई माई के बकरी बन जाता है। तो आज हम क्या करते हैं, ये बकरीपन जो है ना अंदर, ये माईपन जो है ना अंदर, उससे पूर्ण रूप से बाहर लाने के लिए आपको मैं जो बुलवाता हूँ वो बोलना है। वो बोल के बोल के बोल के आपके अंदर की जो माईपन की, जो अहंकार की, बहुत सूक्ष्म रूप की जो आवरण है, उस आवरण को निकाल के पूर्ण शुद्ध आत्मा बाहर जागृत होना है। जैसे कोई ये वाटर का बोरवेल डालते हैं तो क्या करता है, कोई डेप्थ में जाकर के उस वाटर पॉइंट कहाँ है उसको उसको पकड़ता है, उसको पकड़ते ही वो पानी वहां से ऊपर आ जाता है। जब तक पानी नहीं मिलता तब तक वो बोर क्या होता है, नीचे नीचे जाता है। ऐसे हमारे अंदर आत्मा है ना, शुद्ध आत्मा, वो शुद्ध आत्मा को टच करने के लिए हमको अंदर जाना है। इसी को बाबा कहते हैं, बच्चे अंतर्मुखता के गुफा में चले जाओ। बच्चे अंतर्मुखता में अपने अनादि स्वरूप का देखो। अनादि स्वरूप अर्थात मूल स्वरूप, मूल स्वरूप अर्थात शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप अर्थात शुद्ध आत्मा स्वरूप। सभी अपने स्वरूप देखने के लिए तैयार हैं।